हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और थंबनेल देख के तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको कराते हैं जंगल रिजॉर्ट की सैर, या तो यूं कहिए उदयगिरी केव्स की, क्योंकि ये जगह उदयगिरी केव्स के लिए ही मशहूर है। तो चलिए, सबसे पहले आपको पड़ेगा एक टिकट काउंटर। यहाँ से आपको एक टिकट लेना है। यहाँ पर अलग अलग व्हीकल का अलग अलग टिकट है। हम कार से थे तो हमने यहाँ पर 50 रुपये पे किए। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होगी जानने की कि आखिर है कहाँ पर। तो अगर आप अशोकनगर एमपी से हैं, अगर आप गुना एमपी से हैं और आप भोपाल आते जाते रहते हैं, आप विदिशा आते जाते रहते हैं, यहाँ तक कि आप सांची भी होकर गए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इन सब के बीच में एक ऐसा प्लेस भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। केव्स तो यहाँ पर हैं ही, यहाँ पे एक जंगल रिजॉर्ट है, यहाँ पे झीलें हैं जिनमें आप बोटिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि आपको आके देखने को मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में। तो विदिशा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी केव्स है, जंगल रिजॉर्ट है। अगर आप सांची आते हैं, आप भोपाल जाते हैं, आप विदिशा आते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आप जंगल रिजॉर्ट में नाइट स्टे नहीं चाहते तो आप सिर्फ उदयगिरी केव्स के लिए आ सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मात्र 1-2 घंटे लगेंगे, आप उदयगिरी केव्स को अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ पे 20 केव्स हैं जो कि आज के ज़माने में टूरिस्ट प्लेस हैं, जिनको देखने के लिए हम लोग जाते हैं, तो आप आ सकते हैं। और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे पूरा जंगल ही जंगल आपको नज़र आ रहा होगा। वैसे यहाँ पे जानवर वगैरह तो ऐसे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं जंगल रिजॉर्ट और आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो बने रहिए।